काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर से आप ये लाइव कवरेज मेरे साथ देख रहे हैं और आज दरअसल फैसले का दिन है। ज्ञानवापी मामले में क्या आगे सुनवाई होगी, मामला सुनने योग्य है कि नहीं, इस बारे में अदालत का फैसला 2 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, इसी मामले में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा यहाँ आसपास की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिख रहा है और बिल्कुल बगल में वो मस्जिद जिसे लेकर ये पूरा विवाद है, यानी ज्ञानवापी पर हक को लेकर ये पूरी लड़ाई, मामला अदालत में, अदालत का क्या रुख होता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसी मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं आपको लेकर चलूं। उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिला जज अजय कृष्ण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी जिला जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए, मतलब ये सीधे तौर पर इसका मतलब ये आप निकाल सकते हैं कि आज फैसला सुना दिया जाएगा। इसका एक आशय, इसका एक अर्थ निकाला जा सकता है, चूंकि जिन्हें फैसला सुनाना है डिस्ट्रिक्ट जज को, वो अभी अभी हमें सूचना मिल रही है कि अजय कृष्ण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी वाराणसी कोर्ट से मौजूद हैं। संजय, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जज पहुंच चुके हैं और उसके पहले लगातार पुलिस के अधिकारी यहां फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कचहरी और उसके आसपास के जितना इलाका है उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। संतोष कुमार सिंह इस वक्त वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। संतोष जी, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, पूरे कमिश्नरेट को जो है जोन, सुपर जोन, सेक्टर, सब सेक्टर्स में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था सजगता सतर्कता के साथ है। पुलिस बाहर भी है या परिसर के भीतर भी लगाई गई? अब देखिए, पुलिस सर्वव्यापी है, हर जगह है और सादे कपड़ों में भी पुलिस है, वर्दी में भी पुलिस है, BDS की टीम है, QRT के लोग हैं, तो हर तरीके से हम लोग सजग सतर्क रहते हुए कानून व्यवस्था, शांत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं और उसके लिए जो भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो सब किए गए। इस तरह के इनपुट्स हैं सर इस पूरे आज जो भी घटनाक्रम है? देखिए, कोई इनपुट नहीं है और मीडिया की सेंसिटिविटी है, मीडिया ज़्यादा सेंसिटिव है, आम आदमी के बीच में आप देख रहे होंगे कोई संवेदनशीलता इस तरह की नहीं है और हम लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जजमेंट कुछ भी हो, लोग सहज भाव से इसको लें और कानून अपना काम करे, संवैधानिक व्यवस्था के तहत व्यवस्था चलती रहे। पक्षों के मौजूद लोगों से भी कोई बातचीत हुई? हाँ, लगातार हम लोग जो है सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद और संपर्क में हैं, समाज के अन्य प्रबुद्ध और जागरूक लोगों के साथ अनवरत हमारी टीमें संपर्क में हैं। कचहरी और उसके आसपास के इलाके में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए? नहीं, कचहरी के भीतर बिना तलाशी चेकिंग के कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पा रहा है और हमारी BDS की टीम, QRT की टीम और सादे कपड़ों में पुलिस अलग अलग स्थानों पर है ताकि कोई गलत मंसूबे वाला व्यक्ति और कोई ऐसा काम न कर सके जिसको लेकर शांति व्यवस्था की समस्या पैदा हो। फोर्स का डिप्लॉयमेंट बता सकते हैं हमको कितना किया? अब वो आप समझ लें पर्याप्त संख्या में फोर्स जो है पूरे क्षेत्र में तैनात है, पर्याप्त संख्या में फोर्स लगा दिया गया है और गहमागहमी अखिलेश बढ़ चुकी है पूरे कचहरी परिसर में, चूंकि जिला जज आ चुके हैं और आज 2 बजे के बाद जब इस मामले की पर निर्णय होना है तो उसको लेकर सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आप देख सकते हैं कचहरी परिसर के भीतर की तस्वीरें किस तरह से न केवल बाहर बल्कि भीतर भी भारी फोर्सेस लगाया गया है। और संजय देखिए, मैं दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, वहां पर तो है ही गहमागहमी लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का दृश्य जरा देखिए, हर जगह से देश भर से लोग आते हुए, भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है और हर रोज यही स्थिति यहाँ पर नजर आती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।